हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप्स आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ 5 मिनट की रेसिपी, कोकोनट मिल्क की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। तो कोकोनट मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कोकोनट, जिसको हमने अच्छे से छील लिया था, और छीलने के बाद इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसको वॉश भी कर लिया है अच्छे से। तो अब जो है हम इसके छिलके को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम पीलर से रिमूव कर देंगे। वैसे चाहे तो आप छिलके के समेत बना सकते हैं, पर होता क्या है ना कि मिल्क बनाना है तो थोड़ी वाइटनेस होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से सारे पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। तो ये छिलका उतर कर रेडी हो गया है। अब जो है हम इसे कट करेंगे। आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब ये कट के रेडी है और हम लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडर जार और इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। और अब हम साथ ही डालेंगे इसमें 1 गिलास पानी। ये गुनगुना पानी है। और इसकी लीड लगाएंगे और इस तरह से 2 मिनट रुक रुक कर इसे चलाएंगे। तो ये देखिए ग्राइंड हो गया है। इस तरह से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन के रेडी हो जाएगा ये। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर हम एक कपड़ा लगाएंगे। आप चाहें तो इसे छलनी में भी छान सकते हैं, लेकिन इस तरह से छानने से इसका सारा जो रस है वो बाहर आ जाएगा, अच्छे से निचोड़ जाएगा। तो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसे चारों साइड से पकड़ेंगे इस तरीके से, और इसे हल्का हल्का दबाते जाएंगे और इसका जो मिल्क है बनकर रेडी हो जाएगा। तो रेडी है कोकोनट मिल्क बनकर। अभी ये काफ़ी थिक है। अगर आप चाहते हैं और भी बनाना तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये पोर्शन बचा हुआ है, अब ये थोड़ा ड्राई है लेकिन अभी भी आप इससे 2 गिलास और बना सकते हैं। आप इस तरह से मिक्सी में डालिए, सेम आप उसी तरीके से 1 गिलास पानी डालिए, ग्राइंड करिए हल्का सा और आप छान लीजिए। थोड़ा सा उससे पतला रहेगा और उसके बाद आप एक बार और भी बना सकते हैं सेम मेथड से। तो आप 3 गिलास दूध बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा और करिएगा टेस्ट आपको ये कोकोनट मिल्क कैसा लगा। तो बनके रेडी है ये। अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, ड्राई पोर्शन है, जो ये दूसरा गिलास भी बनके रेडी है हमारा। अब आप ही सोच रहे होंगे 2 गिलास दूध बनाने के बाद हम जो इस ड्राई कोकोनट का क्या करेंगे। तो इससे भी बहुत सारी रेसिपी बन सकती हैं। आप इससे कोकोनट बर्फी बना सकते हैं, कोकोनट का हलवा बना सकते हैं, और इसके अलावा कोकोनट की चटनी बना सकते हैं। और भी 2-3 रेसिपी हैं जो इससे बन सकती हैं। ये मैं दूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।